और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती संबोधित कर रही हैं और ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीर अन्य है। पिछड़ा वर्ग कहलाने लगे हो, कहलाते कुछ नहीं थे और बाकी अपर कास्ट हो गया। अब इसमें हुआ यह है कि पिस गए हैं वो बीच में, जबकि आबादी उनकी 60% है और वो बहुत समर्थ हैं, खेती करते हैं, धनी भी हैं, गरीब भी हैं लेकिन धनी भी हैं, ऐश्वर्यवान भी हैं, राज्य भी बहुत रहे हैं। जो होलकर राज्य है वो पिछड़ों का ही था, जो गायकवाड़ राज्य है वो यादवों का था, होलकर राज गढ़रियों का था, सिंधिया राज्य कुर्मियों का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया कुर्मी हैं तो इनके कुर्मियों का राज्य था। तो इसलिए एक समय ऐसा आ गया और पहले भी ऐसा था, मेहर राजा मेहर गुर्जर थे, तो इसलिए एक समय ऐसा था जब पूरे देश में ये एक राज्य करने वाला समुदाय था, लोधियों का राज्य था बहुत बड़ा रीवा में, तो ये कुल मिलाकर के राज्य करने वाला समुदाय भी रहा और खेती वाला भी रहा, शौर्यवान भी रहा, विद्वान भी रहे और आज भी लड़के लड़कियों को पढ़ने का जैसे ही मौका मिला है पिछड़े वर्गों के तो बहुत तेजी से उनने दौड़ लगा दी। बस गड़बड़ कहाँ हो गई है कि भारत में जब से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है तो आप पूरी तरह से मूड पे छोड़ दिए गए हैं नेताओं के, मूड और जरूरत। ये माइक खराब है, दूसरा माइक दे दो मनोज, ये माइक बहुत खराब है, बीच बीच में बंद हो रहा है ना, ये इसलिए बंद हो रहा है, बीच में अड़चन आ रहे हैं कुछ लोग। तो ये अब क्या है, अब राजनीतिक दलों के मूड पर और आवश्यकता पर डिपेंडेंट हो गया है ये 60% सामर्थ्यवान समाज, उनको जरूरत पड़ेगी तो वो आपका इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। और ये बंद हो रहा है ना माइक बार बार, ये दे दो एक ठो, तो वो दे दो, वो रख दो, तब तक हम इसे बोल सकते हैं, मैं बोल रही हूँ तब तक। मेरे को तो पता ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब गांव में पैदा हुई, तो मैंने भेदभाव तो देखा लेकिन समझ में नहीं आया, बहुत छोटी थी, पास में कब्जे करो, थोड़ी और कुर्सियां डलवाओ क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की। फिर जब मैं प्रवचन करने लगी तो मैं रामायण गीता और उपनिषद पर करती थी, वेद पे नहीं, और कथा नहीं करती थी, वो ढोल मजीरा नहीं बजता था, ऑर्केस्ट्रा पार्टी पार्टी नहीं थी, मेरे साथ में मैं ही होती थी बस मंच पे अकेली, और मैं करीब 45 मिनट बोलती थी और आप ठीक, आप बढ़िया हो गए, आप अच्छा हो गए। अब लोग कहते थे कि मेरा प्रवचन सुन के उनका जीवन बदल जाता है, मुझे नहीं पता था क्यों बदल जाता है, आधार नहीं मालूम था उसका। फिर मैं विदेश में 96 में देवगौड़ा जी इस बिल को रख रहे थे, अब मैं आती हूँ आरक्षण, तो मैं भारी खुश थी, पूरी पार्लियामेंट में ही खुशी की लहर थी, और ये था कि एक मत से पारित किया जाएगा, मतलब निर्विरोध ये प्रस्ताव पारित होगा और ये मेज थपथपा के पहले हाथ उठा देंगे और फिर मेज थपथपा देंगे, इतनी खुशी, तो हम भी खुश क्योंकि सब मिक्सचर था ना मेरे अंदर, मैं महिला भी थी, मैं अपर कास्ट भी थी, मैं बैकवर्ड भी थी, क्योंकि मैं प्रवचन भी कर रही थी, करती थी ना पहले, तो वो माइंड सेट वैसा था। तो अब क्या हुआ,
माँ मेरे पीछे, आज मैं अब उसका नाम लूंगी, मेरे पीछे बैठे थे गंगाचरण राजपूत, आगे की लाइन में नेता लोग बैठते हैं ना, पीछे में बैठे थे, खाली डिवीजन के टाइम पे अपनी अपनी सीट पे जाना पड़ता है, तो ठीक मेरी सीट के पीछे थे, तो उनने मेरे कंधे को कहा दीदी, मैंने कहा क्या है, बोले आज देवगौड़ा जी क्वेश्चन आवर खत्म होते ही महिला आरक्षण बिल पेश करने वाले हैं। मैंने कहा हम तो खुद ही इसलिए बैठे हैं, खुशियां मनाएंगे। अरे बोले आप समझ नहीं रही क्या, इसमें ओबीसी एसटी एससी का मामला क्लियर है ही नहीं, और ये सारी सीटें अपर कास्ट के लिए रिजर्व होती जाएंगी, जो जो सीटें हैं वो उनकी महिलाओं के लिए, पहले पुरुषों के लिए थी अब महिलाओं के लिए हो जाएंगी, और ये डोमिनेशन कभी खत्म नहीं होगा, खड़े होइए आप बोलिए यहाँ पे। अब मैंने कहा कि वो देवगौड़ा जी को मैं क्या बोलूं, क्योंकि तुम अभी रटा रहे हो मुझे, हाँ संवेदना जग गई मेरी तुरंत, संवेदना मतलब इमोशंस तो जग गए, एक्सप्रेशन ना समझ में आवे मुझे, तो उन्होंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ ना आप इसको बोलो, तो मैंने कहा कि तुम बोल लो, तो बोले नहीं देवगौड़ा जी खड़े होंगे ना और कान पे हियरिंग एड लगाएंगे नहीं तो उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी, आप अंग्रेजी में बोल दो खड़े होके। अच्छा पार्लियामेंट सन्नाटे में थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, भारी खुशियां मनाई जा रही थी, महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है, और मैं खड़ी हो गई, देवगौड़ा जी खड़े हो गए और मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा सर प्लीज। तो स्पीकर ने पूछा प्राइम मिनिस्टर से, डू यू यील्ड, क्या तुम झुकते हो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा यस, तो बैठ गए। तो मुझे स्पीकर साहब ने कहा बोलिए आपको क्या बोलना है, मैंने कहा मुझे ये बोलना है कि इसमें एसटी एससी और ओबीसी का क्लियर नहीं है, ये रिजर्वेशन हो रहा है, ये स्पेशल प्रोविजन हो रहा है, अब मेरे को अपने आप भगवान विराजमान हो गए जीत के ऊपर, तो जो गंगाचरण ने कहा था वो तो बोल दिया, अब आगे मेरा शुरू हो गया। और मैंने कहा कि नहीं, ये दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोविजन इन द स्पेशल प्रोविजन, तो आप इसमें एसटी एससी और ओबीसी का जब तक क्लियर ना हो आप प्रस्तुत मत करिए सर, नहीं तो प्रस्तुत हो गया होता तो फिर नहीं रुक सकता था वो, मैं कहूंगी कि वो कोई इतिहास था जो रचा जा रहा था। देवगौड़ा जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं उमा भारती के सेंटीमेंट का आदर करता हूं, मैं बिल्कुल प्रस्तुत नहीं करूंगा, मैं स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दूंगा और कमेटी सबका पक्ष सुनेगी, फिर दोबारा ये बिल आएगा। फिर तो जो पार्टियां थी हंगामा हो गया पार्लियामेंट के अंदर के, जो का कर दो उमा भारती ने आप बात को, और उन दिनों टेली मीडिया हमारे प्राइवेट चैनल के भाई लोग नहीं थे ना उन दिनों, नहीं तो ये लोग पूरा दिखा देते, मेरा सरकारी दूरदर्शन था, कंट्रोल में था सरकार के, अखबार पूरी तरह से अपर कास्ट डोमिनेटेड थे, तो आया लेकिन कम आया, ये आया कि रुक गया, किसने रोका, ये दबाया गया, पूरी प्लानिंग से दबाया गया, उसमें तो बहुत जम के मेहनत लगी थी कि नाम नहीं आने देना है, लेकिन रिकॉर्ड में है ना कि मैं खड़ी हुई थी, बोले पार्लियामेंट की रिकॉर्ड में है, पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है वो, तो मैं बाहर आ गई, क्योंकि अटल जी को लगा कि बहुत हंगामा हो रहा है तो हाउस एडजर्न हो गया, अटल जी ने प्रस्ताव रखा, अटल जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे और देवगौड़ा जी की सरकार थी और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही थी कि रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए हाउस। तो बाहर जब पहुंची सारी पार्टी की महिलाएं मुझे घेर गई, बहुत मार पड़ेगी, बहुत पत्थर पड़ेंगे, बिगाड़ दिया ना पूरा मामला, क्या जरूरत थी ये बोलने की। इतने में अटल जी मेरे पास में आए, उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया, मैंने कहा अभी आपकी सरकार गिरी है, अभी फिर चुनाव में जाएंगे हम 1.5 साल में, क्योंकि ये सरकार की तो अकाल मृत्यु होगी, ये चलेगी नहीं, ये तो मिली जुली सरकार, इनका केमिकल बैलेंस नहीं, तो ये चलेगी नहीं, तो आप वोट कैसे मांगोगे, पूरे देश को साथ लेकर चलना है, तो पिछड़ा पावे 100 में 60, ये जो 60% लोग हैं इनको कैसे इग्नोर कर सकते हो आप, अगर इनको साथ लेना है तो मुझे ये बोलने का अधिकार दीजिए, आजादी की तो मैंने बात ही नहीं की, मेरी आजादी कौन छीन सकता है, लेकिन इनका नहीं अधिकार दीजिए मुझे ऐसा इसको बोलने का। तो फिर उन्होंने सबको शांत किया, कमेटी बनी, डॉक्टर गीता मुखर्जी उसकी अध्यक्ष बनी, उसमें हमारे पिटीशन जाते रहे, पिटीशन के समय पर बहुत मजा आता था, हम अलग हो जाते थे और वो अलग हो जाते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। फिर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मैं उठाऊं तो उसमें भी यही हाल हो जाए, कुछ लोग साथ दें कुछ ना दें। फिर वो देवगौड़ा जी की सरकार ही गिर गई, फिर हमारी सरकार आई, वो कॉलिजन पॉलिटिक्स की थी, तो बाबू नायडू आरक्षण के समर्थक थे, तो मतलब ओबीसी आरक्षण के, ममता बनर्जी ओबीसी आरक्षण की समर्थक थी और वो सरकार को समर्थन दे रहे थे, तो हमारी सरकार ने वो बिल टेबल किया ही नहीं दोनों बार। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई,
तो जैसे मनमोहन सिंह जी थे, मेनू की पता, मेनू की पता, पता नहीं क्या हो गया, वो तो पहले मतलब वो तो हिमयुग था, मैं उसको आइस एज बोलती हूँ, क्योंकि वो हिमयुग आया था, बर्फीला युग आ गया था, पूरे देश में बर्फ की परत छा गई थी, तो वो आ गए 10 साल, तब कोई जिक्र नहीं हुआ। अभी आया प्राइम मिनिस्टर के सामने जिक्र हुआ है, जब मैं मोदी जी के साथ 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो कैबिनेट में हमारी कैबिनेट की एक दो महिलाएं जिक्र करती थी कि इसको लाइए आप, तो मैं तुरंत बोलती थी प्रधानमंत्री जी ये एनडीए की सरकार है, भले ही बीजेपी का बहुमत है लेकिन एनडीए के हमारे 2-3 पार्टनर इसमें अपना अलग मत रखते हैं, तो वो समझ जाते थे मैं क्या इशारा कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ थे और नीतीश कुमार हमारे साथ थे, तो वो मुझे कहते थे हाँ 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 उमा ठीक है सब लोग शांत हो जाओ, चलो कैबिनेट के अगले एजेंडा पे बात करते हैं, और वो नहीं आ पाया। अब की बार प्रधानमंत्री जी को एक अच्छी बात सूझी कि नई पार्लियामेंट लग रही है, नया भवन है, तो मंगलमय प्रवेश के साथ हो, महिलाओं के आरक्षण के साथ हो। अब आप कहेंगे कि इसमें वो ओबीसी क्यों भूल गए, आपको लगता है प्रधानमंत्री भूल सकते हैं? प्रधानमंत्री सिर से पांव तक बुद्धि है, बुद्धि, और उनके साथ एक टीम काम करती है जो उनको पल पल की खबर देती है, और उसमें जो जरूरी होता है उसकी स्क्रिप्ट तो सामने रख दी जाती है 2 लाइन में तुरंत इमीजिएट। वो सबसे ज्यादा बहुसूचित प्रधानमंत्री है दुनिया के, जिनसे कोई सूचना छूट नहीं सकती, और वो बूढ़ा केश है जिसने नींद जीत ली हो, नींद जीत ली है उन्होंने, तो इसलिए उनको रात में 2 बजे भी कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, ही विल गेट इट, एंड ही और वो इसको मांगेंगे, वो इस इंफॉर्मेशन को वो भूले नहीं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर पिछड़ों को टिकट देगी, तो आरक्षण की जरूरत, क्योंकि वो स्वयं भी पिछड़े वर्गों के हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो पिछड़े वर्गों के 2-4 लोग हैं बस इतने ही हैं, नीचे बहुत दिक्कत आती है, और इस बात को अब अगर समझाना है तो मध्य प्रदेश एक टेस्ट केस बन सकता है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, अभी एक प्रयोग हो सकता है, आप अधिकतम टिकट पिछड़ी जाति की महिलाओं को दे दीजिए, अधिकतम टिकट दे दीजिए बिना आरक्षण के। किसने कहा आरक्षण? जो महिलाओं को टिकट मिले हैं पिछले चुनाव में वो क्या आरक्षण के कारण मिले हैं? ये जो भोपाल में एक महिला विधायक है वो क्या आरक्षण के कारण बनी है? अनारक्षित सीटों पर महिलाएं लड़ी हैं, तो दे दीजिए 33% ST/SC/OBC महिलाओं को, और उसमें 23% ST/SC का कर दीजिए, 27% OBC का कर दीजिए, 50% अलग कर दीजिए महिलाओं के लिए, कर दीजिए ये प्रयोग। इसमें रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो अपनी आकांक्षा की जरूरत है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए। अब मैं अपने आप को भगवान नहीं मानती, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने आप को एकदम बुद्धू चंद मानती, और दूसरा मैं फलाफल नहीं सोचती कि मैं जो बोल रही हूँ उसके बाद क्या होगा, मुझे लगता है कि जो होगा वो देख लेंगे। मैंने एक जगह है पाली और एक है मानपुर, शहडोल जिले में है, अब तो वो जिला अलग हो गया, डिंडोरी और सब अलग हुए ना, बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, 2003 की। तो वहाँ से मैं निकली मेरी यात्रा, तो पाली के लोग मांग कर रहे थे मीना सिंह को टिकट दो, और कुछ लोग मांग कर रहे थे ज्ञान सिंह को टिकट दो, दोनों आदिवासी थे। अब पाली रिजर्व थी, मानपुर अनरिजर्व थी, और दोनों सगे मामा भांजी थे, तो कोई कहे ज्ञान सिंह को टिकट दो, कोई कहे मीना को टिकट दो, जो अभी मंत्री है मीना। तो मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने कहा ऐसा करते हैं पाली से मीना को लड़ाएंगे और मानपुर से ज्ञान सिंह को लड़ा देंगे। तो मुझे मंच के पहले मेरे ताओं ने इशारा किया कि मानपुर रिजर्व नहीं है, मैं कहा उसे क्या फर्क पड़ता है, जब मानपुर जंगल थी तो आदिवासी उनको वोट देते थे, अब आदिवासी बिना रिजर्वेशन के खड़ा हो जाएगा तो अपर कास्ट के लोग आदिवासी को वोट दे देंगे। मैंने कहा कोई खाते में थोड़े लिखे हुए हैं कि हम ही वोट देते रहेंगे, नहीं अगली बार वो हमें वोट देंगे। मैंने कहा तो मैंने तो घोषित कर दिया कि पाली से मीना लड़ेगी और मानपुर से ज्ञान सिंह लड़ेंगे। अब भीड़, अब क्या है, पाली और मानपुर लगे हुए हैं तो वहां की भीड़ पैदल चलती हुई रथ में, वो पता है कैसे है, जैसे बैरागढ़ और भोपाल ऐसा है मामला, तो भीड़, मैं पहले भीड़ से कम्युनिकेट करती थी अगर आपको याद हो, तो बातें करती थी भीड़ से, तो भीड़ में से लोग चिल्लाए, मैं बस में खड़ी रहती थी ना ऊपर,
कि दीदी मंत्री कौन बनेगा, मैंने कहा जो ज्यादा वोट से जीतेगा। अगर पाली वालों ने मीना को ज्यादा वोट दे दिए तो मीना मंत्री बनेगी, और मानपुर वालों ने ज्ञान सिंह को वोट दे दिए तो ज्ञान सिंह मंत्री बनेगा। लेकिन ज्ञान सिंह लड़ेंगे, और ज्ञान सिंह की सीट जनरल सीट थी। और मैंने फिर एक बात कही थी, वो बात आज मैं कह रही हूँ, ये बात आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं जिनके लिए कह रही हूँ उन तक हमारे मीडिया के बंधु पहुंचा देंगे। मैंने लोगों को कहा कि आरक्षण स्थायी नहीं है, आरक्षण है कि जब तक अग्रिम आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति समानता की लाइन पे आके खड़ा नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण जारी रहेगा, इसके लिए आरक्षण। तो अगर इस व्यवस्था से तुमको दिक्कत आ रही है कि अरे आरक्षण के मारे हमारा प्रमोशन रुक गया, ये हो गया, वो हो गया, ये शिकायत रहती है, तो ये मौका है, टेस्ट केस है। तुम लोग मान सिंह को वोट दो, आदिवासी को, ज्ञान सिंह को, और ये साबित करो, उनका विश्वास जीतो कि वो जनरल सीट से खड़े हो जाएंगे तब भी तुम उनको वोट दोगे। और अगर तुम उनका ये विश्वास जीतते ही जाओगे और उनको एसटी एससी को लगेगा कि बिना रिजर्वेशन के भी अगर हम किसी सीट से खड़े हो गए तो हम चुनाव जीतेंगे, जिस दिन ये विश्वास जीत लोगे उस दिन एसटी एससी खुद कह देंगे कि अब हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक रिजर्वेशन जारी रहेगा। ये एसटी एससी ही बोलेंगे, और जब तक वो ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक रिजर्वेशन जारी रहेगा। जब तक असमानता रहेगी तब तक वो ऐसा बोलेंगे नहीं, और असमानता खत्म कर दोगे तो वो खुद ही कह देंगे कि हमें जरूरत नहीं। लेकिन ये उन्हीं के मुंह से निकलना, तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना। और मैंने कहा चलो ज्ञान सिंह एक टेस्ट केस है, और ज्ञान सिंह चुनाव जीते, लेकिन मीना ज्यादा वोटों से जीती, मीना मंत्री बनी, बाद में ज्ञान सिंह ने संसद का चुनाव लड़ा तो सांसद भी बने। तो इसलिए हम प्रयोग, एक प्रयोग भूमि बना सकते हैं मध्य प्रदेश को, चुनाव सामने है। ये जो कांग्रेस ने समर्थन किया इसमें मीडिया में एक जगह छपा, सबने नहीं कहा। आजकल क्या हो गया है, ये जो जब से मोबाइल आ गया ना तो खास इन्फॉर्मेशन लोग निकाल लेते हैं, तो उसके डिटेल नहीं निकालते। उन्हें ये पता नहीं है कि मैंने ओबीसी रिजर्वेशन की बात अभी नहीं कही है, मैंने ही ओबीसी रिजर्वेशन की बात की शुरुआत की है विधायिका में। इसके पहले मंडल कमीशन के बारे में वीपी सिंह जी इसको कार्यपालिका में लाने की बात कर चुके थे, न्यायपालिका में अभी भी नहीं है, और विधायिका में लाने की बात मैंने शुरू की देवगौड़ा जी के टाइम पर। तो ये बात लोग कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही हूं, नहीं, कांग्रेस मेरे सुर में सुर मिला रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक सुर थे उस समय पर कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बिना इसके पास करो। तो किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक है, अब मेरे को बदनाम करना है ना, मेरी धार कम करनी है। किसी तलवार की धार कम करनी हो तो ऐसे तरीका होता है, उसको घिसो ज्यादा, धार कम हो जाएगी उसकी, मतलब इस ढंग से घिसो कि उसकी धार मोतरी हो जाए, ऐसे रगड़ो उसको। अब यह ध्यान रखना पड़ेगा, आज मीडिया बैठा है यहाँ, कि ओबीसी को नहीं मिलना, इसमें भाजपा और कांग्रेस 96 में एक थे। ओबीसी को मिलना ये मैंने कहा, और मुझे दोनों ने फटकार लगाई, और लड़ते ही रहे स्टैंडिंग कमेटी के सामने दोनों पक्ष की महिलाएं मुझसे, दोनों पार्टी। आज कांग्रेस ने कहा है मजबूरी में, क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हो गया है, इस वर्ग के बिना वो नहीं खड़े हो पाएंगे। मैंने किसी वोट के लालच में नहीं कहा था, मैं तो ये सोच रही थी कि आज के बाद मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मैंने पार्टी का व्हिप का वायलेशन कर दिया था। पार्टी का व्हिप था कि सबको वोट डालना है, और मैंने आपत्ति कर दी कि नहीं, ये बिल आने नहीं चाहिए। लेकिन उस समय नेता ऐसा था ना, खुशबू और मिठास से भरा हुआ, समुद्र के जैसा गहरा, आसमान के जैसा ऊंचा, अटल बिहारी वाजपेयी, और वो बाहर आ गए, बेटा क्या हुआ? तो मैंने बताया उनको, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक कहती हो तुम, तो अपनी बात कहती रहो, मुझे छूट दे दी उन्होंने। और अयोध्या आंदोलन के मामले में भी अटल जी कभी समर्थक नहीं थे कि बाबरी ढांचा तोड़ा जाए, वो इसके थे कि कानून या सहमति, सेंसस, इसके अलावा कोई रास्ता न करो।
लेकिन अगर हम लोग जाते थे पार्टिसिपेट करने के लिए तो रोकते नहीं थे। जब अटल जी, जब अशोक जी अनशन पे बैठ गए थे 2002 में, तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर थी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि महंत रामचंद्र दास परमहंस और अशोक जी सिंगल अनशन पे बैठ गए हैं, शिलान्यास की आग्रह कर रहे हैं कि हमें शिलान्यास करना है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी, मैं तो उनके साथ बैठूंगी। तो मैंने अटल जी से पूछा कि मैं जा रही हूँ और आपको लगता है कि केंद्रीय मंत्री को नहीं जाना चाहिए? मायावती की सरकार थी, सरकार ने प्रतिबंध अयोध्या की घेराबंदी करवा दी, कोई जा नहीं पा रहा था, लेकिन मिनिस्टर को रोक नहीं सकती थी। तो मैंने उनको कहा, अटल जी को, कि बाप जी मैं तो जाऊंगी, अशोक जी के साथ बैठूंगी मैं। अरे तो मुझे बोले जाओ ना, किसने रोका है? तो मैंने कहा आप कहो तो मैं कैबिनेट से रिजाइन कर दूं, आपकी मर्यादा का हनन हो जाएगा। बोले कोई मर्यादा का हनन नहीं होगा, मुझे तो दुख है कि कोलिजन पॉलिटिक्स है, इसलिए मंदिर का निर्माण की बात नहीं उठा पा रहा हूँ। कोई मंदिर का निर्माण की बात उठाने यानी सरकार गिरा देना, तो तुम लोग चाहो तो सरकार गिर जाए, हम तैयार हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, तो अगर तुमको जैसा लगे तुम लोग मिलकर फैसला करो वैसा, तो तुम तो जाओ। हाँ, कोशिश ये करना कि अशोक जी अपना अनशन तोड़ दें, रामचंद्र दास परमहंस जी अपना अनशन तोड़ दें। मैं गई और वो लंबा हो जाएगा किस्सा कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया दोनों, और बात चल पड़ी आगे, मंदिर निर्माण का रास्ता निकल आ गया। तो इसलिए उसका परिणाम ये निकला कि मुझ पर कोई विप लागू नहीं हुआ, मतलब विप का मतलब होता है चाबुक नहीं पड़ा मेरे ऊपर, विप का तो हिंदी में हर चाबुक ही होता है। अब जो बात मैंने उठाई है, अभी मैं सांसद नहीं हूँ, मंत्री नहीं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे विप के डिसिप्लिन में रहना पड़ता। अब मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी को कमजोर कर दिया जाए, नहीं कहीं नहीं, या शर्मिंदा किया जाए, बिल्कुल नहीं है। अब मेरी स्थिति लक्ष्मण के जैसी हो गई, जब दुर्वासा ऋषि मिलने आए थे ना भगवान राम को, क्या अकेले में बात करनी है, तो उन्हें शर्त रखी कि बीच में आके कोई बिघन डालेगा तो उसकी सजा मृत्यु दंड होगी। नहीं, यमराज आए थे बात करने भगवान राम से कि जब नर देह आपने धारण की है तो हम छोड़नी भी पड़ेगी, लीला पूरी करिए और लीला को समेटिए, क्योंकि आपने नर देह धारण की है ना, मनुष्य की देह, तो इसकी मर्यादा है कि इसका एक दिन शरण होना है। तो यमराज बात करने के लिए आए कि वो कैसे जाएंगे, विधि क्या होगी, आप शरीर कैसे छोड़ेंगे, सब व्यवस्था के लिए बातचीत हो रही थी। तो यमराज ने शर्त रखी कि कोई आना नहीं चाहिए, उसका मृत्युदंड हो जाएगा। इतने में दुर्वासा जी आ गए बाहर, और दुर्वासा जी कहने लगे कि मुझे तो अभी अंदर जाना है। तो लक्ष्मण जी ने उनको रोका, बाहर थे लक्ष्मण जी पहरे पे। तो दुर्वासा ने कहा कि अगर तूने मेरी खबर अंदर नहीं दी तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी चले गए अंदर, क्योंकि उन्हें अयोध्या बचानी थी, तो वो अंदर चले गए और वो कहने लगे कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, अब तय हो गया लक्ष्मण का मृत्यु दंड होगा। तो दूसरे दिन भगवान राम की सभा बैठी, सभा में रामचंद्र जी ने फैसला सुना दिया कि लक्ष्मण ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसका मृत्यु दंड होगा। तो पूरी सभा में हाहाकार मच गया, और रामचंद्र जी दुखी भी बहुत थे कि ऐसे कैसे होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने रास्ता बताया, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण की मृत्यु इसी में हो जाएगी, आप एक वाक्य बोल के देखिए, आप कहिए मैं तुझे त्यागता हूं, इतना आप बोलेंगे और लक्ष्मण जी नहीं सकता, इसी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हें त्यागता हूँ, आज के बाद से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, और लक्ष्मण जी के प्राण निकल गए। तो रामचंद्र जी उनकी मृत्यु से इतने दुखी हुए कि स्वयं सरयू में जल में उन्होंने समाधि ले ली, और एक एक करके चारों भाइयों ने समाधि ले ली। सीता जी तो पहले ही जा चुकी थी। तो मेरी हालत अभी लक्ष्मण जी वाली है कि अयोध्या बचाऊं कि सूचना दूं। मैंने सोचा है कि दुर्वासा ऋषि का कोप झेल लेंगे, लेकिन अयोध्या तो बचाऊंगी, पिछड़ों को बचाऊंगी, राम राज्य को बचाऊंगी। और आप चिंता ना करें मेरे बारे में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, बिगड़ेगा उसका जो कुछ बनाने का सोचता हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में खूब छक के बैठा हुआ हो, 6 साल की उम्र से प्रसिद्ध हो गए, 20 साल की उम्र तक पूरी दुनिया घूमे आए, जब शादी में तो बहुत अच्छे जगहों पर बात चल रही थी, मैंने ही मना किया, पहले हाँ कर दूं फिर ना कर दूं, ऐसा बहुत हुआ। एक बार तो बराती लौटा दी और संन्यास ले लिया, उसके बाद में मिनिस्टर बनी,
11 साल चीफ मिनिस्टर बनी और मैं हारी नहीं, मुझे चीफ